हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर न्यूमेरिकल। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? लेट अस सी। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी। एक कंपाउंड है जो एलिमेंट ए और बी से बना हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है। इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर। एटम्स ए कॉर्नर पर हैं एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर, और बी एटम्स फेस सेंटर पे हैं। तो आपको फार्मूला ड्राइव करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को आपके टर्म वन में मिल जाए। चलिए, पहले तो हम लोग एक क्यूब यहाँ पे बनाते हैं। सपोज कर लो ये क्यूब है, हालांकि क्यूब की एल बी एच डी में इक्वल होती है। तो लेट मी सी, दिस इज द क्यूब। तो ये हमारे पास ये क्यूब आ गई। अब इन्होंने बोला कि एक तो एटम्स कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 कॉर्नर्स पे ये एटम हो गए। अब आपको पता है कि कॉर्नर्स पे जो एटम होती है वो 8 और क्यूब्स के साथ इक्वली शेयर हो सकती है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, तो एटम्स ऑफ ए वो भी कितनी होंगी? 8। लेकिन नेट एटम्स कितनी बचेंगी, क्योंकि एक एटम 8 क्यूब से शेयर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि नेट एटम बची है आपके पास जस्ट 1। अब हमारे पास जो बी एटम है वो फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर कौन कौन सा है? एक तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। एक ये वाला जो फ्रंट साइड पे है 5, और एक ये वाला रेड वाला जो बैक साइड पे है, सपोज कर लो इसका ये हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस, तो फेस टोटल कितने हैं क्यूब के अंदर? 6 हैं। तो एटम्स कितनी होंगी बी की? अब देखो, जो आपके पास एक फेस पे एटम होती है, सपोज करो ये एक फेस है, इस पे जो एटम होती है वो 2 क्यूब्स के साथ शेयर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 1/2 से 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3। तो नेट एटम्स, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर वे से लिख लेते हैं, एटम्स ऑफ बी तो है आपके पास 6, लेकिन नेट एटम्स कितनी निकलेंगी? 1/2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं ए रेशो बी करूंगा तो आई विल गेट 1:3 और AB3। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया, और दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।